वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गया हूँ फिर आपके साथ एक नया ब्लॉग्स लेके, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स है। आज मैं जैसे कि अभी घर पे था, अभी मैं सोचा कि अपने गार्डन को एक्सप्लोर करूँ यार, क्योंकि अपने गार्डन को इसलिए एक्सप्लोर करने का मन किया क्योंकि अपने गार्डन में गाइस फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मेडिसिनल प्लांट्स, काफ़ी सारा प्लांट्स है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। और बहुत हम लोग मतलब घर के फ्रंट है, फ्रंटेज में इतना पेड़ लगा हुआ है और बैक साइड में भी बहुत सारा फ्रूट्स का और वेजिटेबल्स का पेड़ लगे हुए हैं। गाइस मेडिसिनल प्लांट्स मीन्स लेमन ग्रास, हरसिंगार का पेड़ और गिलोई का पेड़ और एलोवेरा, तुलसी का पेड़, ये सारा हम लोग के घर पे अवेलेबल है। और फ्रूट्स जैसे कि गुआवा, मैंगो, पपाया, बेल फल और सीताफल, कस्टर्ड एप्पल जिसको बोलते हैं, वो सारा हम लोग के घर पे अवेलेबल है, जो कि मैं आपको सारा एक एक का सिनेमेटिक शॉट्स दिखाने वाला हूँ। गाइस उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी बनाने वाला हूँ मैं, कि जो कि आपको सिनेमेटिक शॉट्स सारा देखे। और ये देखते होंगे आप जो फ्रंटेज का जितना भी फ्लावर्स है, ये इंटीरियर का भी प्लांट्स है और एक्सटीरियर के भी प्लांट्स है, जो कि अंदर भी हम लोग इसको रखें जैसे कि सनलाइट के मतलब अवॉइड करते हैं सनलाइट से, जो कि ये अगर सनलाइट के सामने आता है तो ये मतलब मुरझा जाता है पेड़। और गाइज उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि इसमें इंटरेस्टिंग लगने का वजह ये है, जो कि ये प्लांट्स को रिलेटेड में ही सारा, जो कि बहुत सारे मतलब जो भी गाइज मतलब काफ़ी सारे लोग जो हैं प्लांट्स के मतलब बहुत ही फेवर पे। सो गाइज ये कुछ डेकोरेटिव प्लांट्स हैं जो कि आप देखते होंगे, ये तो ये देखिए, ये भी कुछ फ्लावर्स हैं और ये जो प्लांट है ये काफ़ी डेकोरेटिव लग रहा है। रात के समय जब लाइट लगते हैं ये बहुत ही इसका अपना व्यूज़ अच्छा व्यूज़ दे रहा है ये जो प्लांट्स है। और बाकी ये छोटे छोटे प्लांट्स हैं, इसका नेम तो मेरे को नहीं पता बट ये, और एक देखिए और ये भी एक छोटा वाला देखिए, ये काफ़ी अट्रैक्टिव लुक दे रहे हैं। और ये भी एक पेड़ देखिए, ये भी छोटा है, अभी ये जब बढ़ जाता है तो इसका हाइट काफ़ी सारा अच्छा हाइट आ जाता है। और नीचे का जो ये जो लीव्स है, ये लीव्स मतलब ऑटोमेटिक मतलब निकल जाएंगे। और ये एक पेड़ देखिए, और ये जो ग्रास दिख रहा है आपको, ये लेमन ग्रास है, इसको बोलते हैं लेमन ग्रास है, और ये भी काफ़ी अच्छा लुक्स दे रहा है। और ये देखिए ये रोज़ फ्लावर है, रोज़ ट्री है ये। और ये सामने कुछ पपैया के सीड्स डाले हुए थे, पपैया के उठाए तो इसको हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे बैक साइड पे। और ये रोज़ का है, और एक जो कि अच्छा मेडिसिनल प्लांट है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए तुलसी का पेड़ है, ये एक अच्छा मेडिसिनल प्लांट है। एलोवेरा कितना लगा हुआ है, एलोवेरा, ये सारा एलोवेरा का पेड़ है सारा। चलिए फिर गाइस बैक साइड में जाते हैं, मैं आपको सारा हम लोग का बैक साइड का व्यू दिखा रहा हूँ। चलिए मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ एक एक, ये है आम के पेड़। तो मतलब मैं बता देता हूँ, हम लोग के घर पे चार वैरायटी का आम है, ये एक उसमें से एक वैरायटीज़ का है। इसका जो फल है काफ़ी मीठा है और बहुत अच्छा ही टेस्ट है। ये देखिए मैं ये पूरा ग्राउंड लेवल में ही लगा, जैसे कि हाथ लगा के भी आप तोड़ सकते हैं। देखिए मैं हाथ भी लगा सकता हूँ उस पर, ये देखिए। चलिए मैं फिर और भी दिखाता हूँ। ये जो बेल फल बोलते हैं, ये बेल फल का पेड़ है, ये देखिए, एक मिनट में जूम कर लेता हूँ। ये देखिए, और इसे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट देता है और बहुत ही बड़े बड़े साइज़ के होते हैं ये। इसका भी दो वेराइटी है, एक ये जो एक वेराइटी है, ये एक छोटा वेराइटी है प्लस बड़ा भी है। ये देखिए, ये देखिए एक कस्टर्ड अपूल का पेड़ है, जो कि इसको सीताफल भी बोलते हैं। एक मिनट, ये वाला, ये देखिए उसमें एक फल लगा, मैं वो जूम भी करके दिखाता हूँ आपको। तो चलिए अभी आगे जल्दी। और ये देखिए गुआवा का पेड़ है, ये देखिए कितना बड़ा बड़ा गुआवा होता है हम लोग का पेड़ में। तो ये जो गुआवा है अभी का, ये भी अच्छे बड़े बड़े साइज़ के गुआवा होते हैं। और ये एक गुआवा है और बाकी उधर उधर भी लगा हुआ है, एक ये एक है और बाकी उधर देखिए नीचे एक लगा हुआ है, वो भी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए गुआवा,
ये पूरे ऐसे ही ग्राउंड लेवल में ही लगते रहते हैं। और उधर भी एक है, ये ऐसे ही गुआवा होते काफ़ी बड़े से, एक एक का मतलब 500-600 ऐसे ग्राम के होते हैं, मतलब एक एक गुआवा साइज का। तो ये उसका टोटल पेड़ उसको दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये हो गए आम के पेड़, ये हो गए बेल का, और वहाँ है सीताफल, और ये हो गए गुआवा का, और ये लेमन का पेड़ लेगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग, मगर इसमें आज तक एक भी फल नहीं आया, फिर भी एक जीत है हम लोग के गार्डन में। तो ये है पाइनएप्पल का, ये पाइनएप्पल का पेड़ है। तो अब ये देखिए, ये है कटहल के, अच्छे साइज के हो गए। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, देखिए कितने अच्छे साइज के हो गए कटहल। ये यही साल ही आया कटहल इस पे। तो अब आ जाइए अभी, और भी एक आम के पेड़ लगे, ये अलग वेराइटी के आम है। ये देखिए, ये एक है, और ये इसमें इसमें भी भर के लगे हुए आम, ये देखिए। और ये अपना मेहंदी का झाड़ है, मेहंदी का पेड़ लगा हुआ ये। तो अभी चलिए और एक वैरायटी का आम दिखाता हूँ, ये इसमें भी आम लगे हुए हैं, ये भी और एक वैरायटी का आम पेड़ लगा है। चलिए ये है पपया का, ये देखिए, और ये है गुआवा का, ये छोटे साइज़ के हैं, ये जो गुआवा है ये साइज़ इसका बहुत छोटा है। तो और ये आ गई है अपना नीम का पेड़, ये देखिए नीम का पेड़ है ये। और गाइस ये ड्रमस्टिक का पेड़ है, जो कि हम लोग वेजिटेबल्स में यूज़ करते हैं, काफ़ी स्वाद इसका अच्छा रहता है। तो चलिए गाइस, और एक सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको पेड़ दिखाने वाला हूँ, जो कि गिलोई का पेड़ है, बहुत ही मेडिसिनल प्लांट्स है, और ये कोविड के टाइम में बहुत ही यूज़फुल है। चलिए ये मैं आपको गिलोई का पेड़ दिखाता हूँ, ये देखिए, ये जो है ना, ये पतली डंडी जो लगा हुआ है इसका, देखिए ये पहले हम लोग एक गमले में लगाए थे, तो अभी ये ऑटोमेटिकली ज़मीन में चले गए, ये दो पेड़ लगा हुआ है। और ये देखिए इसका, ये है कितना पतला है, और ये बहुत ही यूज़फुल है गिलोई, आपको ही पता होगा गिलोई का पेड़। ये देखिए गिलोई का पत्ता, ये है गिलोई का पत्ता, और ये गिलोई का टीम है, जो ये गिलोई का जो पेड़ है अपना इम्यून सिस्टम बूस्ट के लिए बहुत ही हेल्प करता है। तो ये देख लिए गाइस हम लोग का जो गार्डन है, वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग ही लगा होगा, क्योंकि गाइस अभी यहाँ पे क्या, हम लोग के जो गार्डन है यहाँ पे सिर्फ वेजिटेबल्स का पेड़ नहीं है, और वेजिटेबल्स का बहुत कम पेड़ लगे हुए हैं, और यहाँ पे फ्रूट्स का काफ़ी सारा पेड़ लगा हुआ है, और जैसे कि आप देखे होंगे कितना भी मेडिसिनल प्लांट्स लगा, मेडिसिनल प्लांट्स ज़्यादा नहीं लगे, और यह एलोवेरा लगा है, और तुलसी का पेड़ भी लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या है गिलोई का पेड़ लगा है, कि जो है वीडियोज़ में आपको फ्रंट का वीडियो में आपको दिखाया होगा, वो भी आपको अच्छा लगा होगा। सो गाइस इफ़ यू लाइक दिस वीडियोज़ प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये देखिए मतलब बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये, जैसे मतलब पेड़ में आम लगे हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, ये देखिए माशाल्लाह पर मतलब पेड़ में भर के लगा हुआ आम, ये देखिए। सबसे ज़्यादा मतलब हम लोग का इंटरेस्ट नहीं था जो गुआवा में आपको दिखाया, एक एक साइज़ गुआवा का जो होता है मतलब 650 ग्राम, ऐसे इतने बड़े बड़े जंबो गुआवा होते हैं यहाँ पे हम लोग के घर पेड़ पे। तो गाइस वीडियो देखते रहिए, और लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट दीजिए आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते फिर नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में, मीट यू नेक्स्ट, टिल देन गुड बाय।